परासिया की बंद भूमिगत कोयला माइंस में दो युवकों की लाश मिली। बताया जा रहा है एक सप्ताह पहले ही मृतक की गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज कराई गई थी। एफआईआर दर्ज करने के लगभग एक सप्ताह बाद माइंस के पास लाश बरामद हुई। बताया जा रहा है कि माइंस के पास बदबू आने से लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिससे पुलिस ने जब वहां जाकर देखा तो दो युवकों की लाश पड़ी हुई थी। पुलिस ने पीएम के बाद युवकों के माता पिता को लाश सौंप दी। गौरतलब है कि इस कोयलांचल क्षेत्र में बेरोजगारी होने के कारण चोरी का लोहा खरीदने वाले माफिया लोगों की गरीबी का फायदा उठाते हैं। ना समझ युवकों से लोहा व तांबा केवल चोरी करवाते हैं और ना समझ युवक कुछ रुपयों के लालच में आकर बंद कोयला खदान के अंदर जाकर चोरी के कार्य को अंजाम देते हैं। बंद खदानों में जहरीली गैस के रिसाव से कई बार युवकों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, पर पुलिस प्रशासन ऐसे लोहा खरीदने वाले कबाड़ियों के ऊपर अंकुश लगाने में नाकाम रहा, जिससे चोरी का सामान खरीदने वाले कबाड़ियों के हौसले बुलंद है। गणपत खदान परासिया से मुहाड़े पर दो व्यक्तियों के शव पड़े होने की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर पुलिस पार्टी मौके पर पहुंची और आसपास पतारसी की गई तो मालूम पड़ा कि एक शव रज्जू कठोले उम्र 28 वर्ष, दूसरा शव अर्जुन कहार उम्र 30 वर्ष बीजी साइडी के। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक देख रहे हैं दखल न्यूज़।